कितना चक्कर आ रहा है? अब इन सारे गुलाब जामुन को मैं निकाल लूंगी, इसमें गर्मा गर्म चाशनी में मैं इसे डाल दूंगी। इन्हें 5 से 10 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छे से चाशनी जा सके। फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फटे हुए दूध से गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी। फ्रेंड्स, अब गर्मियों का दिन आ रहा है, दूध अक्सर घर में फट जाते हैं, तो हम इससे चलिए गुलाब जामुन बनाते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमने 1 कप चीनी, 1 कप पानी, इलायची का पाउडर, आधी नींबू, गुलाब जामुन पाउडर। गुलाब जामुन पाउडर की जगह पे आपके पास अगर गुलाब जामुन पाउडर नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल सकते हैं, मैदा मिक्स करके बना सकते हैं। और ये फटा हुआ हमारा छेना जो हमने उसमें पानी निकाल के उसको छेना का पानी निकाल के और हमने छेना को अलग कर लिया है। तो चलिए अब इसका पहले चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं 1 कप पानी डालूंगी, फिर 1 कप जो चीनी लिया था हमने वो चीनी डाल देंगे, और मैंने जो ये इलायची का पाउडर लिया था वो डाल दूंगी। इन सबको डाल के हमें गैस पे रख देना है, गैस पे इसमें उबाल आने देनी है हमें अच्छे से। इसमें उबाल आ रही है तब तक मैं बॉल्स तैयार कर लेती हूँ, गुलाब जामुन के बॉल्स। इसके लिए जो हमने छेना लिया था उसे मैं अच्छे से पहले मैश करूंगी। हमें ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे करके हमें इसे अच्छे से मैश करना है। फ्रेंड्स, हमने जो ये छेना जो लिया है 1/2 लीटर दूध का ये छेना है, इसे हमें तब तक मिक्स करना है, देखिए जब तक ये हम जब इसे राउंड करें तो ये फटे नहीं, देखिए इसमें दरार नहीं आ रहा है। अब मैं इसमें गुलाब जामुन पाउडर ऐड करूंगी, तब तक हम इधर चाशनी में अपनी देख लेते हैं। चाशनी में भी उबाल आ चुका है, एक उबाल आने पर मैं इसमें 2 से 3 बूंद नींबू का रस डालूंगी ताकि जिससे जो चीनी में जो इम्प्योरिटी वगैरह है वो निकल जाए। मैंने 2 से 3 बूंद ही डाले हैं, इससे ज्यादा हमें नहीं डालना है। 2 मिनट और उबलने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच गुलाब जामुन पाउडर ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। 2 चम्मच पाउडर में बिल्कुल हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसे हम अच्छे से आटे की तरह गूंथ लेंगे। हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। चाशनी बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस कंसिस्टेंसी सेम होनी चाहिए। 1 कप पानी तो 1 कप चीनी, बस इसे 5 मिनट तक के लिए उबाल दीजिए, बस हमारी चाशनी बनके रेडी हो जाती है। गैस में बंद कर दूंगी। अब मैं ऐसे रोल करके छोटे छोटे पीसेस करके मैं इसे राउंड राउंड कर दूंगी। फ्रेंड्स, इसे छोटे छोटे ही बनाए क्योंकि ये पानी में डालने के बाद और बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे पीसेस में ही हमें बनाने चाहिए इसे, इसके राउंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। चलिए अब हम इसे तलते हैं। मैंने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, देख चेक कर लेते हैं मैं तेल गर्म हुआ है नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम गैस का फ्लेम लो करके और इसमें एक एक करके सारे बॉल्स डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे बॉल्स एक बार में ही आ गए हैं, हम इन्हें धीरे धीरे चेक कर लेंगे। हम इन्हें पहले एक छोटे से चम्मच की सहायता से पलट लेंगे थोड़ा सा, इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए, लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है हमें, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर में कच्चे रह जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब ये निकालने लायक हो गए हैं। देखिए इनका कितना अच्छा कितना चकर आ रहा है। अब इन सारे गुलाब जामुन को मैं निकाल लूंगी, इसमें गर्मा गर्म चाशनी में मैं इसे डाल दूंगी। इन्हें 5 से 10 मिनट तक के लिए ढक के छोड़ दूंगी ताकि इसमें अच्छे से चाशनी जा सके। हमारे गुलाब जामुन बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब मैं इसे सर्व करके आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे से बने हमारे गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स,
आज की ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही ना भूलें। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।